इसका एक्सेल का एक्सेल ड्राइव सिर्फ जिसको बोलते हैं हाँ। वो लोग क्या है कि सर्विस सेंटर में चेंज करते हैं, ठीक। हम लोग सर उसको रिपेयर कर रहे हैं, स्टीयरिंग बस हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, हाँ। कॉलम का मोटर जो है वो चेंज कर रहे हैं, सिर्फ कॉलम रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग पूरा कंप्लीट चेंज कर देंगे। हेडलाइट का बल्ब पे कटा हुआ है, हेडलाइट का बल्ब हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ स्प्रे पेंटिंग का कुछ काम है, डिस्कलर है वो तो खैर अलग है, मेन इसका काम है मैकेनिकल डिपेंड करता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं वीडियो में, सर गाड़ी अगर सर सेकंड हैंड गाड़ी आप खरीद रहे हैं जी, तो आप चेक करा के कोई मैकेनिक को 1,000 2,000 5,000 दे के चेक कराइए, चेक कराइए, उसके बाद में आप कार लीजिए। बेस्ट सर्विस अपने तरफ से देने की कोशिश कीजिए, अपना कार समझ के उसको काम कीजिए। हम सर एक ही बात समझते हैं सर कि अगर हमारे पास कोई वर्कशॉप कार आता है, इसके लिए मेरे मैकेनिक से मेरा सर्विस मैनेजर से झगड़ा हो जाता है हमसे, मतलब जितना बेस्ट टू बेस्ट हम लोग कोशिश करते हैं देने का अपना कार में, कोई भी काम जब इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका रिजल्ट जब उनको कस्टमर को बोला कि सर काम करने दीजिए हमको, इसका रिजल्ट जब निकलेगा अच्छा तब आप चलाएंगे देखेंगे। अगर सर किसी को सर्विस करने के लिए आप दे रहे हैं तो उसको बोलिए सर आप मेरे को पूरा चेक कीजिए, आप देख दो घंटा एक्स्ट्रा समय दीजिए सर आप जी, एक घंटा में सर्विस कर देंगे, नहीं होता सर एक घंटा में सर्विस। एक कस्टमर कॉल आया मेरे पास में, वो बोले कि ABS का सेंसर चेंज करना है, तो हम बोला कर देंगे। कितना टाइम लगेगा? हम सर 2 घंटा लगेगा। भाई क्या बात कर रहे हैं, 15 मिनट लगेगा चेंज करने में। हमने उसको बोला सर 15 मिनट तो आपसे बात करने में लगेगा मेरे को, आप आएंगे बात करेंगे, जॉब सीट होगा, आप परमिशन देंगे, 15-20 मिनट ऐसे चले जाएगा। जी नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। सर आज तो बेसिकली बहुत सारे नया दोस्त देख रहा है, पहले यहाँ का लोकेशन समझा दीजिए। हम लोग कंपनी का नाम है ऑटोमैनिक मोटर केयर प्राइवेट लिमिटेड, मेरा नाम है मिस्टर अमन, हम लोग कोलकाता से हैं, हम लोग कार रिपेयरिंग का वर्कशॉप है और हम लोग साइंस सिटी के ऑपोजिट में हम लोग का वर्कशॉप है और 30 नंबर आरूप होता है 105। बाकी नंबर चला कॉल कीजिए, लोकेशन आपको भेज देंगे, आप आ जाइएगा। ठीक है सर, आज का टॉपिक के बारे में बताइए। सर हम लोग हुंडई सेंटाफी का आज हम लोग दिखाएंगे कि क्या उसमें खर्चा आने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, क्या क्या खराब है, क्या क्या अच्छा है, क्या है नहीं, ये भी सारी चीज बताएंगे आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। गाड़ी बहुत कम है एकदम, और लग्जरी कार है, लग्जरी कार है, ये करेंगे कि बेहतर क्या गाइड कर सकते हैं कस्टमर के लिए जिनके पास में सेंटाफी कार है हुंडई का, तो वो क्या 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 बेसिक वो ख्याल रखेंगे, कैसे क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीज का बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल भी देर न करते हुए शुरू किया जाए सर। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। तो दोस्तों यही है हुंडई सेंटाफी, जिसका पास है उनको पता है ये कार का मजा क्या है। जी जी, लेकिन पहले जानकारी लेंगे कि ये कार क्यों यह आई है, बताइए। सर ये कार जो है सर आपका यहाँ पे आई है एक जगह से नहीं, 3 जगह से। अच्छा, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर हमको वो कोटेशन भी भेजे हैं। क्या बात है, तब तो सुना जरूरी है। कस्टमर खर्चा भी किए हैं। हाँ, इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो हम सर से बात किया, उनको भरोसा दिलाएं कि सर आपका हम आपको बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस आपको हम देंगे। ठीक है, तो वो राजी हुए, हमको परमिशन दिए, हम काम अभी करना शुरू किए हैं जी। अच्छा, क्या क्या काम है सर? इसका फ्रंट सस्पेंसर का काम है। ठीक है, स्टीयरिंग का काम है, स्टीयरिंग पूरा हार्ड है, जाम है, पूरा जाम हो गया है। इनका अल्टरनेटर का प्रॉब्लम है, सेल्फ सर्विसिंग होगा, इंजन का माउंटिंग खराब है वो चेंज होगा, फैन बेल्ट चेंज होगा, फैन बेल्ट का एडजस्टर चेंज होगा, शॉकर का माउंटिंग चेंज होगा, उसके बाद में बहुत सारा होस पाइप है। अच्छा, आपको वायर लीकेज हो रहा है, बहुत सारा काम है इसमें। ओके ओके, हाँ ये बहुत सारा, ये आपका सर्विस सेंटर से दो से तीन दिन हो रहा है मेरे वर्कशॉप में आया, सर्विस सेंटर ने पहले किया था सर्विस, पहले वो 2 जगह बाहर में काम करवाए, उनको सर्विस बेस्ट नहीं मिल पाया सर्विस उनको। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट में सर्विस सेंटर में दिए। अच्छा, कि उनको कोटेशन मिला काफी रुपया का, वो बोले कि हम ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं और हम खर्चा करने के लिए अमन जी तैयार नहीं है, आप मेरे को कम समय में कर पाइएगा, हम उनको भरोसा दिलाएं, गाड़ी वर्कशॉप में बुलाएं, लोग आपका वीडियो देख के आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा नहीं देखिए पूरा वर्कशॉप में गाड़ी भरा हुआ, हाँ। तो लोग भरोसा कर रहे हैं हम लोग को, इनको भी हमने भरोसा दिलाया कि सर आप आइए, जो चीप एंड बेस्ट होगा सर आपको हम करके देगा, जो ओरिजिनल पार्ट्स होगा। देखिए इसका एक्सेल का एक्सेल ड्राइव सिर्फ जिसको बोलते हैं, वो लोग क्या है कि सर्विस सेंटर में चेंज करते हैं, हम लोग सर उसको रिपेयर कर रहे हैं, स्टीयरिंग बस हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, कॉलम का मोटर जो है वो चेंज कर रहे हैं, सिर्फ कॉलम रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग पूरा कंप्लीट चेंज कर देंगे। हेडलाइट का बल्ब पे कटा हुआ है, हेडलाइट का बल्ब हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ स्प्रे पेंटिंग का कुछ काम है, डिस्कलर है वो तो खैर अलग है, मेन इसका काम है मैकेनिकल का। मैकेनिकल, हाँ, गाड़ी इनका नॉकिंग कर रहा है, मजा नहीं आ रहा चलाने में,
इनका वाइब्रेट कर रहा है, इंजन का माउंटिंग खराब है, ये है, बहुत सारा काम है। सर थोड़ी देर पहले एक चीज बताया जो बहुत एसेंशियल लगा मेरे को, वो ये है कि स्टीयरिंग हार्ड हो जाने से ये गाड़ी का क्या दिक्कत हो सकता है, क्या पैसेंजर जो चला रहा है उनको कोई तकलीफ हो सकता है या फिर एक्सीडेंट? एकदम सर एकदम चला ही नहीं पाएंगे, एकदम हार्ड हो जाएगा पत्थर की तरह, सुनिए हार्ड हो जाएगा, चला नहीं पाएंगे आप। वो मेरा मैकेनिक सीनियर मैकेनिक बोल के चला के लेके आया कस्टमर के घर से, बैटरी भी इनका डाउन था, गाड़ी रखा होता ऐसे वो कोई चला नहीं पाएंगे, और स्टीयरिंग इनका पूरा जाम हो गया है, स्टीयरिंग हम लोग पूरा डायग्नोस्टिंग किए, कार को पूरा चेक किए हैं, कस्टमर कोड दिए हैं, कोड देने के बाद में वो स्टीयरिंग बॉक्स का जो कॉलम है हम लोग रिपेयरिंग कर दे रहे हैं, सिर्फ मोटर्स का चेंज कर रहे हैं, स्टीयरिंग बॉक्स का रिपेयरिंग कर दे रहे हैं। सर ऐसा क्यों होता है एक्चुअल? सर गाड़ी नॉर्मली तो होता नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं वीडियो में, सर गाड़ी अगर सर सेकंड हैंड गाड़ी आप खरीद रहे हैं जी, तो आप चेक करा के कोई मैकेनिक को 1,000, 2,000, 5,000 दे के चेक कराइए, चेक कराइए, उसके बाद में आप कार लीजिए। आप कार लेने के बाद में ये देखिए, एक कस्टमर रहते हैं बाहर, वो ये गाड़ी भी बाहर का है, यहाँ का नंबर नहीं है, बाहर का नंबर है, छत्तीसगढ़ के आसपास का नंबर है, तो कस्टमर बाहर में रहते हैं और यहाँ वो भरोसा करके दिए थे जी, उनका काम सही नहीं हो पाया। अब देखिए इसका हम लोग रिजल्ट लाएंगे, कोशिश करेंगे इसका आफ्टर में क्या इसका रिजल्ट है, कस्टमर को अगर सामने में आएंगे, कस्टमर को हम बुलाएंगे कि कस्टमर का क्या फीडबैक है, हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो में दिखाने का। ठीक है, एक कस्टमर का लास्ट में इंटरव्यू भी हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बाद में जी जी, ये गाड़ी जब डिलीवरी लेंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे कि लास्ट इनका फीडबैक क्या है, कस्टमर फीडबैक क्या है, बहुत सारे फीडबैक आप लोगों को दिखाया गया इससे पहले जी जी, कस्टमर लोग क्या कह रहे हैं, आने का बाद क्या कहते हैं, जाने का टाइम में क्या फीडबैक दे के जाते हैं, इसीलिए आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो और इधर आते भी हो जी जी। ठीक है, तो सर आप ये बताइए कि सर्विस सेंटर में जब लेके गया क्या एस्टीमेट क्या दिया गया? इसको एस्टीमेट सर काफी दिया गया, हमने कस्टमर को बोला सर आप मेरे को कोड भेजिए, रेट काट के मेरे को बयाना नहीं है पैसा कितना सर्विस सेंटर लग रहा, तो उनको लगा कि नहीं मेरा रेट सही है रिपेयरिंग और कुछ पार्ट्स चेंज करके, तो मेरे को बोले कि ठीक है आप काम कर दीजिए अमन जी, मगर आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हम बोले सर हम आपका काम कर देंगे, हमारे सर आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपको खुद यहाँ पे आके एक बार टेस्ट ड्राइव करने का मेरे साथ में, तो राजी हो गए, बोले कि ठीक है आप रेडी करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारा काम है, कम से कम एक हफ्ता 10 दिन लगेगा काम करने, वो तो लगेगा सर, काफी आदमी हमको बहुत सारा इसमें काम करना है। इसका डीजल फिल्टर जो है आज तक चेंज नहीं हुआ है, 71,000 के आसपास गाड़ी चल गया है, डीजल फिल्टर आज तक चेंज नहीं हुआ, कम से कम डीजल फिल्टर 40-50 में चेंज होना चाहिए, जिसको ऑयल फिल्टर कहते हैं क्या? हाँ जिसको फ्यूल फिल्टर बोलते हैं, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर वो आज तक चेंज नहीं हुआ इसका, लेकिन हम लोगों का छोटा गाड़ी में तो हर टाइम चेंज कर देते हैं, 6,000-5,000 किलोमीटर बाद इनके साथ वही हुआ है, जो अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं इनको कोई मैकेनिक को चेक नहीं करवाया, लेकिन सर मैकेनिक साहब भी शायद गाइड नहीं किया पहले, जहां से पहले जहां सर्विस नहीं तो छोटा मोटा चीज तो कम से कम गाइड करना चाहिए। आप में से काफी सारे दोस्त ऐसे हो जो मैकेनिक हो जी। यार आप लोग कम से कम कस्टमर को थोड़ा गाइड कीजिए, अगर डॉक्टर साहब हम लोगों को गाइड नहीं करेंगे, ठीक से बताएंगे नहीं, सिर्फ बीमारी को ठीक करके छोड़ दिया तो फिर बीमारी आ सकती है एकदम एकदम, लेकिन वो अगर ये बता दे कि भाई ऐसा ऐसा चीज मेंटेन करेंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा सुस्त रहेगा। कोलकाता में कहीं पे काम कराए हैं कोई वर्कशॉप में, वर्कशॉप का नाम लेना नहीं चाहेंगे, वो लिखे हुआ है सस्पेंसर रिपेयरिंग। अच्छा आप सस्पेंसर रिपेयरिंग में क्या किया उसको ब्रेकअप कीजिए ना, क्या किया आप जी, वो सस्पेंसर रिपेयरिंग का अमाउंट कस्टमर से ले लिया इस कस्टमर से, ये गलत बात है ना, ये सही नहीं है, इसमें हम लोग कोलकाता का नाम खराब हुआ। हाँ कोलकाता का, ये बाहर से है सर, पूरा मैकेनिक का नाम खराब हुआ सर, पूरा कोलकाता में जो मैकेनिक उसका नाम तो खराब हो रहा है। अगर से आप कोई काम कर रहे हैं ना 100% तो कीजिए, नहीं तो बोल दीजिए सर हो नहीं पाएगा हमसे। सही बोल रहे हैं, अब वर्कशॉप में नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, मगर वो क्या है कि लिखा हुआ सस्पेंसर रिपेयरिंग इतना, अरे भाई क्या किया आप उसको ब्रेकअप दीजिए, जैसे कि हम लोग का कोटेशन में सारा ब्रेकअप रहता है, सस्पेंसर में क्या काम कर रहे हैं, ब्रेकिंग सिस्टम में क्या काम कर रहे हैं, पेट सर्विस में क्या कर रहे हैं, एसी में क्या कर रहे हैं, सारा ब्रेकअप दे के कस्टमर को समझा के एकदम पूरा। बहुत सारे कस्टमर बोलते हमको पता नहीं, अमन जी आप बताए नहीं सर, आप पकड़ आप समझिए पहले। अब सर कैमरा के सामने एक चीज क्लियर की, हाँ बोले आप जो बोल रहे हैं ब्रेकअप दे रहे हैं, ये कस्टमर को कैसे पता चलेगा? सारा वीडियो भेजते हैं हम लोग, वीडियो भेजते, वीडियो फोटो सारा चीज, नया पुराना का फोटो, ये इसका उसका जब काम नहीं होता है। वो तो हो गया, और जो हम लोग कोटेशन को भेजते हैं समझिए कि एक से लेके 1 से लेके 21 तक पॉइंट है, सस्पेंसर का ये इसका ये इसका ये, तो उनको सब समझाते हैं हम लोग कॉल में, ये सर अब इसका इसका ये काम है, इसका ये काम, इसका ये काम, ये सब सारा सस्पेंसर का पार्ट है, ये सारा पेट सर्विस का पार्ट है, ये सारा ब्रेकिंग का पार्ट है, ये सब उनको समझाते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बोलते सस्पेंसर रिपेयरिंग स्टीयरिंग इतना रुपया, ऐसा नहीं करते हम लोग, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए सर आपका क्या क्या काम हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सस्पेंसर रिपेयरिंग 50,000, ऐसा तो होता नहीं है ना सर, नहीं, नहीं। उसको ब्रेकअप 50,000 रुपए आप किस चीज के ले रहे हैं? हाँ। आराम का इसका, इसका इसका इसका, तो ऐसे इनके साथ में हुआ है, मतलब काम सही नहीं हुआ है, वो पक्का हमको बिल दिखाए हैं। हाँ। सारा चीज दिखाए हैं, मगर उनका नाम नहीं लेना चाह रहे व्हाट्सएप पर, नहीं जरूरत भी नहीं है हमको, मगर लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए दोस्त, ऐसा पूरा मैकेनिक समाज का बदनाम हो जाएगा जी।
ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा ये अगर से कोई मैकेनिक भाई को धुरा लग रहा है उसके लिए पहले सॉरी बोल दे रहे हैं, बेस्ट सर्विस अपने तरफ से देने की कोशिश कीजिए, अपना कार समझ के उसको काम कीजिए। हम सर एक ही बात समझते हैं सर कि अगर से हमारे पास कोई वर्कशॉप कार आता है इसके लिए मेरे मैकेनिक से मेरा सर्विस मैनेजर से झगड़ा हो जाता है हमसे, मतलब जितना बेस्ट टू बेस्ट हम लोग कोशिश करते हैं देने का अपना कार में कोई भी कार, जब इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका रिजल्ट जब उनको कस्टमर को बोला कि सर काम करने दीजिए हमको, इसका रिजल्ट जब निकलेगा अच्छा तब आप चलाएंगे देखेंगे। और इसका टायर इनको बोला कि सर आपका टायर भी खराब है, टायर भी आपका बहुत हजार रुपया लगेगा, हमने इनको बोला सर आपका 3 टायर आपका 30 किलोमीटर चलेगा, 1 टायर आपका 15 से 20 किलोमीटर चलेगा। कस्टमर बोले हमको जरूरत नहीं चेंज करने का, इनका 1 टायर थोड़ा सा खराब है। तो इनका जो टायर खराब होने का जो रीजन है इसका सस्पेंसर का सही से मेंटेन नहीं होगा जी। देखिए सर कुछ टिप्स दे दीजिए, टिप्स ये जिनके पास देखिए ये तो लग्जरी कार में ऑटोमेटिक गियर है। हाँ। इनका ये वायल गियर का जो वायल होता है ATF वायल वो भी इनका सही नहीं हुआ है, और गियर का इसका प्रोसेसर भी सही नहीं है, जब डी में दे रहे हैं तो अभी ब्रेक अभी एक्सीलरेटर दे रहे हैं बाद में भाग रहा है, ये सब सब ठीक करना है, इसको पूरा चोकिंग है इसका फिल्टर ये सब ठीक करना है, सब ठीक करके हम लोग कोशिश करेंगे इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे वीडियो में। अच्छा जी तब तो बहुत ही बढ़िया बात है सर, कुछ टिप्स दे दीजिए। टिप्स वही है, गाड़ी है कार है आपके पास, मेंटेन कीजिए कार को, मेंटेन कीजिए और टाइम टाइम पे सर्विस करवाइए। अगर सर किसी को सर्विस करने के लिए आप दे रहे हैं तो उसको बोलिए सर आप मेरे को पूरा चेक कीजिए, आप देख 2 घंटा एक्स्ट्रा समय दीजिए सर आप जी, 1 घंटा में सर्विस कर देंगे, नहीं होता सर 1 घंटा में सर्विस। एक कस्टमर कॉल आया मेरे पास में, वो बोले कि ABS का सेंसर चेंज करना है, तो हम बोला कर देंगे, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा। भाई क्या बात कर रहे हैं, 15 मिनट लगेगा चेंज करने में, हमने उसको बोला सर 15 मिनट तो आपसे बात करने में लगेगा मेरे को, आप आएंगे बात करेंगे, जॉब सीट होगा, आप परमिशन देंगे, 15-20 मिनट ऐसे चले आएगा। तो मेरे पास गर्म हो गया, बोले आप जानते हैं हम कौन है, हम सर आप कोई भी है, मतलब डॉक्टर के पास गए और बोला कि भाई मेरे को 15 मिनट में ऑपरेशन कर दीजिए, क्या बात है भाई, ऐसा कभी होता है क्या? हमने उनको बोला सर कि यहाँ 15 मिनट में तो वहाँ पे करा लीजिए, तो गर्म हो गया मेरे ऊपर, आप जानते नहीं हम कौन है, हमें सर आप कोई भी है, 15 मिनट सिर्फ मेरे हिसाब से बात करने में लगेगा। तो आप मैकेनिक लोग को टाइम दीजिए, आप 1 घंटा 2 घंटे के चक्कर में क्या होता है ना, आप लोग काम खराब हो जाता है, आप लोग टाइम देते नहीं है, और मिस्त्री लोग क्या करेंगे, उनको तो भाई काम करना है, आप खोल दिए फंस गए, ठीक है फटाफट करके छोड़ दिया, नहीं पेट सर्विस का मतलब होता है कि चारों चक्का चेक कराइए, फ्रंट सस्पेंशन चेक कराइए, रेयर सस्पेंशन चेक करवाइए, गियर का तेल चेक करवाइए, सारा चीज चेक करवाइए, पेड सर्विस के अंदर में आता है सब, चेक करा के कस्टमर को रिपोर्ट दीजिए, कस्टमर नहीं कराएगा कोई बात नहीं, मैंने उनको रिपोर्ट देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर से 70 से 80% कस्टमर कराएंगे तो उनको जब पता चलेगा मेरा कार में ये प्रॉब्लम है, क्या बोले अगर से आपके कार में बोला जाए, हम लोग बोले मैकेनिक सर आपका ये खोला है सस्पेंशन के लिए, पेड सर्विस के लिए, आपका देखा ब्रेक पर ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, सही बात है एकदम, सर आपका खोला आराम का बूस्ट कटाओ, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए जी बिल्कुल, मिस्त्री अगर गाइड करेंगे ना तो कराना चाहिए। अब आप हम लोग क्या करते हैं ना सर, वीडियो लाइव भेज देते हैं सर कस्टमर को, सर देखिए ये वाला प्रॉब्लम है आपका, आप बोलिए करना कि नहीं करना, एकदम एकदम बाद में मेरे को नहीं बोलेंगे, ब्लेम करेंगे कि सर आपके पास सर्विस के लिए दिया, मेरा सस्पेंसर का आवाज निकल गया। और एक बात है सर, और एक बात है कस्टमर को नॉलेज के लिए बोलना चाह रहे हैं, सस्पेंसर जब फिट रहता है तो आवाज कुछ होता नहीं है, बूस्ट कटा और सब रहेगा, जब हम सस्पेंसर को खोल के और फिर दोबारा जब लगा देते हैं काम नहीं होने के बाद में, तो आवाज कस्टमर क्या बोलते हैं कि आवाज बढ़ गया तो सर बढ़ेगा, एक चीज फिट रहता है, अब उसको खोल के फिर से फिट करेंगे, आप कस्टमर बहुत सा ऐसा वास्ता होता है कि सर्विस के लिए चेक किया तो बोला कि सर अभी मेरा बजट नहीं आप लगा दीजिए, तो जब कस्टमर का कार में जब घर में जब कार गया तो फोन करके बोले कि अमन जी हमारा तो सस्पेंसर उतना वास्ता नहीं, फिर आवाज बढ़ गया। सर एक चीज सेट होता है ना, जब खोलने में तो वो तो सेट गड़बड़ा जाता है ना, या तो काम करा लीजिए तो फिर मत खोलवाइए, परमिशन दे दिए खोलने के लिए, फिर बोलते बाद में काम नहीं कराएंगे, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, कस्टमर को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और मैकेनिक जितने भी भाई हैं उनको मैकेनिक इसको गाइड कीजिए कि ये करने से ये होता है, और आप बोलिए उसको हम लोग का इस काम में, हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सर्विसिंग में जो होता है इंजन वायल, वायल फिल्टर, एयर फिल्टर, गियर वायल, आपका ब्रेक वायल चेकअप, फ्रंट सस्पेंसर, रियर सस्पेंसर, ब्रेक, फ्रंट सस्पेंसर, आराम बूस, ये आपका सॉकर से लेके झाप जो भी सब है सब चेक करके उनको आप बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, कस्टमर का पर्सनल चॉइस है वो करवाए या नहीं करवाए, और कस्टमर के लिए बोला सर कि आप लोग बोलिए सब ये सब चेक करके मेरे को बताओ कि मेरा कंडीशन कैसा है कार का। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही था, आप सबको दिखाया Hyundai Santa Fe का क्या क्या प्रॉब्लम था, अब क्या क्या काम इसको करना चाहिए, कितना दिन टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, सारी चीज का बारे में सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया। आपका पास भी अगर इस टाइप की लग्जरी SUV है तो इधर लेके आइए, काम कराइए,
आपको भी अच्छा लगेगा, फिर ठीक करा के फिर से एंजॉय कीजिए जी। सर कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है, के लिए है आपके पास में हुंडई का कोई भी कार है, सेंटर फैस है, वर्ना है, लेंट्रा है, क्रेटा है, i10 है, i20 है, यौन है, कुछ भी कार है हुंडई का, आप लेकर आइए बेझिझक, बेस सर्विस बेस प्राइस कोशिश करेंगे आपको देने का। हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग में फोकस करते हैं, जो ओरिजिनल पार्ट्स आपका रिपेयरिंग हो जाए, जो आपका सालों साल चले, लाख हजारों किलोमीटर आपका चले। और बाकी देख सकते हैं पीछे में एक एलेंट्रा गाड़ी खड़ा हुआ है, इससे पहले एक वीडियो हम लोग का आने वाला है एलेंट्रा का, तो लोग एलेंट्रा लेके हम लोग पास में आ रहे हैं काम करने के लिए, तो आप लोग भी आइए, कोशिश करेंगे आपको बेस्ट सर्विस देने का एकदम। सर वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव करो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।